सवेरे सवेरे ताजे दुध की लोड़ पैंदी है पैंदी है उन्हां नूं दुध की लोड़ मैनूं सब पता है इह सारियां गौआं पुत्तड़ खाने जांदियां है जो करे अज साडी मां नहीं जिउंदी नहीं तां तू ओह भी गोरियां नूं भेज देणी सी ओए की बकी जांदा बकी नहीं जांदा बापू सौ रब दी असीं इक ना इक दिन इह फरंगी भी नहीं रहण देणे ते ना ही इहनां दे पुत्तड़ खाने किसे बड़े बंदे दे मथे लाई जग मारे गए मामा जी आओ आओ मामा जी किवें मामा जी मेरे भांजे इधर घूमते घुमाते आ गए एक बात बता मन्ने तू तू सुबह शाम पलवानी करे है दंड पेड़े है पर तन्ने सांस ना चढ़े पर मारी शक्ल देख के तने यू कांबा पिछड़े है तदो तदो डरते मैं तो थोड़ी काकी वर्दी डर लगता है सियाने ने सच ही कह मामा जी जेड़ा चोरी डकैती करे हो तो डरे डरे जेड़ा ना करे उदू भी जला डरे तू तो डर क्यों रह रहे कहीं चोरी के पट्टे तो नहीं गल ले नहीं जी नहीं नहीं जी नहीं तौबा करो मामा जी तौबा करो तौबा करें हमारे दुश्मन हम तो तौबा रिटायर होने के बाद ही करेंगे एक बात कान खोल कर सुन ले जाके कि तू ये खाकी वर्दी से मत डरा कर ये पेटी देखे सर पेटी ये पेटी का नहीं ये पेटी के नीचे जो पेट है सब इसी का चक्कर है जैसे तू सुबह सुबह हल चलाने के लिए घर से निकले है ना उसी तरह हम ये वर्दी अपने पिंडे पे सजा के थाने ते निकला सा बस फर्क सिर्फ यो ये है कि तू दुआ करे है कि भगवान किसी अच्छे आदमी ने मत्थे लगाइए और हम ये कहे है कि किसी गुंडे बदमाश ते ही मत्थे लगाइयो सारे ने अपना अपना नसीब ही लेना हुंदा मामा जी असि तो उस बाबे अगे अरदास करदे हां कि ओ साडे नैण प्राण सलामत रखे ते असि मेहनत करदे रहिए नाले वडेरे कह के मामा जी कि मेहनत दा फल जरूर मिलदा है मेहनत का फल मिलता तो जंगल का बादशाह शेरनी गधा होता गधा पुत जग गया अपना काम मुका लिया हां मां सत श्री अकाल बहन नसीबो सत श्री अकाल वीरा आ बैठ सुना बच्चों का की हाल है सब ऊपर वाले की मेहर से बहन नसीबो इब देख
बच्चे पैदा करना तो हमारा काम था, अब इन्हें पालना तो ऊपर वाले का काम है। ले दूध पी ले प्रीतो, पुत अपने मामे ले भी दूध का गिलास ले गया। बेबे मामे ने कभी पहला दूध पीता? बैन नसीबो, तू तो जाने से कि जिस घर माँ हक की रोटी पके से ना, उस घर का तो एक घूंट पानी भी हमने हराम है। पर भरावा साडा तो पूछना फर्ज बनता सी ना। पहले तू अपना यो फर्ज पूरा कर की? इस अपनी चोरी के जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर दे। मामा तू मेनू घरों कढ़ना चाहना? मैं नहीं ब्याह कराना। क्यों? पहला मैं अपनी वीर जी का ब्याह करांगी, ठीक है ना वीर जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। बेबे मैं चनी नू मिलन चल लिया। चंगा हाँ। चनिए ओ चनिए, प्रीतो की गल है? ये तो हर वेले मिट्टी ना मिट्टी हुई रहनी है। मिट्टी दे बंदे हैं अते मर के भी मिट्टी च जाना है, इसलिए जिंदे जागदे मिट्टी नाल प्यार पा लिया। सारिया सहेलियां तेनू किते ले उड़ीक दिया ने, चल जल्दी प्यार हो जा। चल Thank you.
बहेगी गूंज पहाड़ों में दिया दुनिया तड़ी दे कर जग्या ओए जग्या ओए सारे दिन काम ही करता रहेगा कि किसी वाले प्यार दी गल भी करेगा काम ते प्यार दी तां आपस विच दुश्मनी है चनिए कदे कदे मेरा जी भी करता है के मैं भी किसी नाल प्यार करा पर की करा मैंने किसी ने सिखाया ही नहीं ते सिखा देवा प्यार करना जेती कर फिर सारे काम छड़ के फड़ मेरी बांवे टली वांग कुट मैनू बध के आगा होवे की करी जानी है राहगीर आते जाते वेखणे दा की आखणगे के मेरे लित्र पौणे है ओए राहगीर कोल इन्ना ही डर लगदा है तां फिर चल चलिए अंबा दे बाग च चलिए अंब बाग ओ कम तेरा प्यो करूगा भैण दा ब्याह सिर ते आया खड़ा चन्नो मेहनत मजूरी करके चार पैसे कमा लिए भैण दा ब्याह कर लिए फिर सारी उम्र तैनू अंबा दे बाग च फराऊ रहन दंदे मेरे को राज करेंगी राज तू इथे बैठ के अपना राज दरबार ला मैं चली किधर चली है छट कुत्या इत्थे ही रुक जाओ अगे कंध आ गई और जेड़ी कंध की मुनियाद खत्म हो जावे वो साडे सामने आप ही आ जांदी है ओए तू किते कमेटी विच तां नौकरी नहीं कर ली ओए पंडता नीवी पा के तुर जा इत्थों नहीं तां खीर चौल समझ के खा जावांगा ओए अच्छा उंज मेरा तेरे नाल लड़न दा रक्ति पर भी इरादा नहीं है सूरत यह है कि जिदी तू बांह फड़ी सी उन्हूं भैन कह के तुर जा क्योंकि इंसान का बच्चा पढ़ता पढ़िया मुश्किल नाल सौं गोदी जाया हुण लग्या एक मिनट लगता है ओए एक मिनट विच 60 सेकंड हुंदे ने ते बिल्ला एक सेकंड विच एक बंदा मारदा ओए अच्छा लंबरदार जी स्वार्थ तां है ते सब भी मर जावे ते दीख भी ना पवे वो किवें दादा ओ महाराज खून होवे जट दा ते खोपड़ी होवे लाले दी तेरिया इना बजारता ना मैं नहीं रुकना लाला शांति महाराज शांति गल इक दिन दी ताए
कल होनी है घोड़िया की दौड़, ते सुचे पंडित ने दौड़ विच हिस्सा लेना ही लेना है, ते फिर ओदी घोड़ी राह विच खाली होनी होनी है। ठीक है लाला, सुनो 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 पिंड वाले सुनो, हर आम ते खास नूं इतलाह दित्ती जांदी है कि कल माड़ी पिंड ते मैदान विच घोड़िया की दौड़ होगी, दौड़ जीतन वाले नूं एक विलायती घोड़ी ते 2000 रुपए का इनाम दिता जाएगा। 2000? ओए 2000? ओए 2000 तो आदे मेरे रब्बा, और पाचा वाले 2000 रुपये तो आदे मैनू। 2000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰੂਗਾ। ਓਏ ਦੁਰਪਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਜੱਗੂ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, 2000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਏ 2000 ਦੁਆ ਦੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 2000 ਦੁਆ ਦੇ। ਓਏ ਓਏ 2000 ਦੁਆ ਦੇ, 2000 ਦੁਆ ਦੇ। ਓਏ ਜੱਗ, ਆ ਕਿਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈ? मैं अपनी मंजिल से पहुंच गया मामा जी, पहुंच गया। और मैं नकुलियां अखां नाल सपना वेख्या मामा, और रब करे मेरा सपना पूरा हो जाए मामू। ओ कहीं घोड़ा घास तो नहीं खा गया? सपना रात को देखा करे है तू, दिन में देखे है? अरे 2000 रुपये दे नाम ने मेरी एहो जी मत मारी है मामा, मैं तो ताए मर गया। कदे दौड़ वाले इनाम की बात तो नहीं कर रहा? ओए ओए हां मामा हां, ओए दौड़ वाले नाम दी तां गल करदा है। ओए इस दौड़ वाले नाम नाल मेरी जिंदगी सुधर सकती है मामा, 2000 रुपये नाल मैं अपनी प्रीतो दा व्याह बड़ी धूमधाम नाल करूंगा। ओए मैनू 2000 दुआ दे, दुआ दे मामा। तै ना दौड़ जीती, ना तै चढ़िया घोड़ी, ना लड़ी सांपा की जोड़ी। आहो मामा, तू तां मेरी औकात ही याद करा दित्ती है। चल जग्गिया, घोड़ी चढ़ना ते तेरे कर्मा विच नहीं, चल जाके डंगरां नूं पट्ठे पा। जगराज उदास मत हो रहे, तू घोड़ी चढ़ने वाला बन, एक क्या 1000 घोड़ी ला देगा तेरा मामा। और पैड़ा पिछे ता परा जान कुर्बान कर दंदे मामा, मैं घोड़ी ते नहीं चढ़ सकदा। फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, एक ते एक आला घोड़ी। देख बेटे, सारे पंजाब के घोड़े फार्म वाले तेरे मामा ते ही माहवारी भरे है। ओए हां मामा, मैनू एक ऐहे जी सील कोड़ी दुआ दे जेड़ी मेरे तले सी ना करे, ते मैनू लेके कमा कम कमा कम कमा कम दौड़े, मैं इंज नाम जिता इंज वापस आ जा। आ जा, और मैनू 2000 रुपया दुआ दे मामा, 2000 दुआ दे। तैयार हो जा। और वालदार मामा, गल पक्की जम ही पक्की। तेरी जमीन लोकां दी जमीन वाके करे तू बेचारा, पर तेरी जरूरत के में होई के कोड़ी ते बैठ के मेरे सामने तू मुकाबले ले आ। मैं कहना है उतर जा कोड़ी तो। और तुसी नाराज क्यों ने छोटे जैलदार जी? ए तां वड्डे साहब जी ने शरे आम ऐलान कराया जी के इस दौड़ विच हर खास ते आम हिस्सा ले सकदा है। खास तुसी सारे, आम असी बेचारे। बकवास बंद कर ओए कामिया, उतर जा कोड़ी तो, नहीं तो तेरी मैं दौड़ ला देंगा। ठीक है जैलदार जी, जे वड्डे साहब दे ऐलान नाल तुहाडा हुक्म ज्यादा वड्डा है तां मैं की लैणा इत्थे घोड़े भजा के, मैं तुर जाणा इत्थों। जग्गुआ आया सी वड्डे बंदिआं नाल टट्टू भजाउण, चल तां दुआ लई सी। साहब जी, यो गरीब आदमी आपका घणा ही वफादार सै, बस न्यू समझो कि पेट से तंग आके फौज की नौकरी करे सा, रोटी आप ही खावे है और गोली दुश्मन की, यो कैसी बात है? ओ आई सी, हे यंग मैन, तुम वापस मत जाओ, तुम इस घोड़ा की रेस में हिस्सा लेगा और एकदम लेगा, ये हमारा
ऑर्डर है। अपने फैसले से गौर कर लो साहब जी, छोटे बंदे नू वड्डी इज्जत मिल जाए ना, वो आप पर जाता है। सरदार, तुम लोगों का इज्जत और जिल्लत हम अंग्रेज लोगों के हाथ में होता है। हम खुश रहेगा तो इन छोटे छोटे लोगों को सरदार और तुम जैसा सरदार को ठम्मी बना देगा। ओ साहब जी, तुसी गुस्से च ना आओ, सौ माता दी वाडा फैसला अटल हुंदा है। ये साहब दा फैसला अटल है बापू, मेरा फैसला भी सुन ले। मैं इस कमी दे हुंदियां इस दौर विच हिस्सा नहीं ले सकता। ते तू भी सुन ले युगराजा, तेनू इस घोड़ी ते बैठना बहुत महंगा पऊगा। सरदार, तुम्हारा बेटा के मुंह से बगावत की बू आ रही है। ओ साहब जी, ये बगावत की बू नहीं, जवानी का खून बोल रहे हैं। तुसी मुकाबला शुरू करवाओ, मैं नु आपे छितर मार के समझा लांगा। ले बे मामे दी कुड़िए, हुन साडी इज्जत तेरे हाथे, मान रख ली मेरा, किधरे देगी ना दे। ले भाई सारे तैयार से भागो। ਜਾਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਮੋਗ ਵਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ चवान, मैदान। तो आधी बड़ी मेहरबानी साहब आदर। अब ये पगड़ी भी तुम्हारा और ये 2000 भी तुम्हारा और ये घोड़ी भी तुम्हारा। गल ये साहब आदर, 2000 रुपये दी मेरे जे गरीब नु बड़ी लोड़ है, पर ये घोड़ी ते पग मैं नहीं लेनी। क्यों नहीं लेगा? और गल ये वे वड्डे साहब जी, ये पग मैं किसी सिर ते नहीं रखन देनी, दूजी गल कोड़ी तो मैनू किसे बह नहीं देना। किसका बदल है कि हमारा बच्चा वो इज्जत की तरफ आंख भी उठा कर देखे। सरदार, तुम तो इस जवान को आले अपने सिर ते रख ले जवाना। बड़ी मेहरबानी जी, मेहरबानी जी। Thank you.
कोड़ी ते काठी तिल्लेदार बीबी ओने चिट्टी कोड़ी ते काठी तिल्लेदार बीबी ओने चिट्टी कोड़ी ते काठी तिल्लेदार बीबी ओने अग्गो वेखा ते लगे थाने दार बीबी ओने चिट्टी घोड़ी ते काठी तिल्लेदार बीबी ओ अब मैंनु मुबारक दो पंडित जी मैं दौड़ जित गया ओ मुबारक दे पुत्रा कोड़ी तो थले उतरा एक कोड़ी ते मैं आप नहीं बैठा मैनू वड्डे जायदार जी ने बैठाया जी ओए मत मारी गई है बुड्ढे बापू दी कोड़ी तो थले उतरिया ओए जुड़ जायदार जी जुड़ जायदार जी क्यों मरी गई है जुड़ जायदार जी अब पंडता जुल्म करना पापे ता जुल्म सहना ओदू भी वड्डा पापे मैं कप्तान साहब दे हुक्म नाल कोड़ी ते बैठा ते उन्ना दे हुक्म नाल ही उतरागा ओए तेरे कप्तान दी ते मार पंडता मेरे साहब नु गाल ना कड़ी ओए उतर हटो नहीं जी गल मत दी है जेड़ी एदी वज गई है ओ तबील दल गल कर ओए दो टके दिया फंदिया तुम चुप करो सरदार हम खुद बात करेगा बोलो तुम दोनों किस बात पर ज्यादा मांगता ओ गल ए ऐसा बदर इज्जत तुसी मेनू बख्शी है ते बची इनू नहीं क्या मतलब ओ मतलब ए वड्डे साहब जी जेडी तुसी आ मैनू पग बख्शी है ना ए सुच्चा चाहुंदा है ए मैं सिर ते ना रखा ते कोड़ी ते मैं चढ़ा ना ओ मैं इन्नियां बड़ियां हिम्मतां कीतियां साहब बहादुर इन्ने ते मैनू आ भी गल पवा लिया क्यों सुच्चा मैं सिर्फ ए कहना चाहुंदा है साहब ते जे तू एदा सिर सलामत वेखना चाहुंदा है ना ता एदी पग ला लै एदी कोड़ी खोल लै ओ लै साहब एदी कोड़ी नहीं तां मैं इन्नू जानो मार दूंगा हम समझ गया हम तुम दोनों दुश्मनों को लड़ने का मौका जरूर देगा भगवान सिंह इन दोनों का नाम लिखो इन दोनों को भर्ती करके फौज में भेजेगा इन दोनों दुश्मनों को हमारा दुश्मन का खोली ठंडा करेगा करम करना सरकार ता इस कम ही ते करो ए विधवा मां दा पुत ते पैसे हथों एदी भैण दा ब्याह रुकिया होया है ए फौजी भर्ती हो जावेगा ते एदी मां तुहानू बहुत दुआवां देवेगी साहब जी ओ यस यस तुमने इसका भले का बात बोला हमको पसंद आया हां जी असि तो तुहाडे हुक्म दे गुलाम हां माई बाप इसको फाटी करो अब बॉर्डर ते मरांगे के जावांगे तो उत्थे वेखी जाएगी ए मैनू पहले कुटी जांदा साहब जी
इसे गलो ने मैं तो बेटी खराब कराई है। यू आर सेलेक्टेड। अब तक खड़ी तो अजीत कल ना जाते रे। माँ आ वेख मैं 2000 रुपया जित लिया आ नाल सामने आ मेनू आ पग ओ कुड़ी दोवे चीजां दित्तियां 2000 तू दस पूरा जेलदार लगदा है। ओ किते वी नाले माँ सामने खुश होके ना मेनू पहुंच नौकरी भी देती। देख पुत्र मेनू इना फरंगियां दी नौकरी ता पसंद नहीं। ए बड़े जालिम हुंदे ने पुत्र। ओ नहीं माँ वड्डा साहब बड़ा ही चंगा बंदा है। ओ जेलदार दा पुत्र ता मेनू दौड़ च हिस्सा ही नहीं लैण दिंदा कहिंदा तू कमी है पर वड्डे साहब ने उन्हें उत्थे ही भजाता। तू डरना मां और प्रीतो तू ही समझा मां नु। चंगे पुत्र तेरी मर्जी पर मैनू बड़ा डर लगता है। ओ मां डर का दा मैं कोई बच्चा थोड़ी है। अमन जान देना। चंगा अमन तैयार हो जाते। हे सच्चे पिता वाहिगुरु मेरे इस भोले पाले पुत्र की रक्षा कर वाहिगुरु रक्षा कर। इस कमी नु जीप तो ला के मेरे हवाले कर दे थानेदारा। ए हुन साडा शिकार है। ए हुन कमी नहीं रिया सोचया अंग्रेज सरकार दा फौजी है फौजी। ओ इस फौजी दे बदले मैं तैनु 50 बंदे भर्ती लई देना है थानेदारा। पर इस दो कड़ी दे मेहमान नु तू मेरी बंदूक दे सामने कर दे। साडा राह छड़ दे सोचया अंग्रेज सरकार नाल मत्था लाउणा कोई सिखी दी गल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਬੈਠਾ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੱਥਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੱਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੈਲਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਚ ਪੈਰ ਨਾ ਧਰੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤਾ मैं जंग विच दुश्मन दी गोली नाल नहीं मरना। जदों भी पहली छुट्टी आया तेरी जायदारी दियां दलीजां टप के तेरी हवेली दा बुआ जरूर खड़काऊंगा। ते इंतजार तेरा मैं भी करांगा जट्टा। ते उदों तक करांगा जदों तक अपने हाथ तेरे खून नाल नहीं रंग लेंदा। सौ मनु माता शेरां वाली दी। जे तुसी याद ते दियो ता सजना नु मिला वा अनार दे पिंड ओ किकरा दे ओले। ठीक है बच्चे जे हुण तेरे बच्चे जे हुण। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਚੱਕਿਆ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2000 ਕੱਟ ਦੇ। ओ चनिए ओ पैसा तो तंग आके ता मैं फौज दी नौकरी कीती है और तू इसे तरह रुदी रही ता मैं दुश्मनां नाल सुआह लड़ूंगा। पर तू कुछ भी कह मैंने फिरंगियां दी गुलामी पसंद नहीं। ओ चनिए तू की चाहनी है मैं प्रीतो दे व्याह तो बाद भी लोकां दी जमीना वाही जावा। मैं तो ढेर सारे पैसे लेके आऊंगा फिर अपनी चंडी नु बे बना के एक वड्डे सारे होटल विच जाके सुहाग रात बनाऊंगा। पर एक गल मेरी सुन लै पहला मुंडा हो तो पहला बैका बड़ी करना। ये तो तू ठीक सोचिया। चंगा फिर हंस के बखा दे। ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੰਦ ਵੀ ਪਾਤਾ।
बच्चा ते बुड्ढा इक्को जे हुंदे ने पुत्तर। निक्की हुंदी तू दुड डोलदी सी ते मैं खिचदा सा, हुण मैं दुड डोलदा ते तू खिचदी है। ए लैण देण इत्थे मुक जाण ते चंगे रहिंदे ने धीए, नहीं तां अगले जहान च हिसाब ताब जी बड़ी मुश्किल आंदी है। बापू मैं इस दुनिया दी गल कर रही हां ते तू अगली दुनिया दी गल करी जांदा है। धीए तू हाले खैर नाल ए दुनिया वेखनी है ते मैनू अगली दुनिया पई नजर आंदी है। बापू तू फिर सिर सिर रुलाण वाली गल्लां करन लग पिया ना, फिर कदे इहो जी गल कीती ना ते मैं तेरे नाल नहीं बोलना। हां रब मेरी उम्र भी तेनू देवे बापू। ना तीए ना, मैनू तेरा पासे दी कमोल दे देवे, तेनू टोली च बिठा के तेरी मां नू दित्ता होया कॉल पूरा कर सका, तेरी मां नू दित्ता होया कॉल पूरा कर सका, तेरी मां नू दित्ता होया कॉल पूरा कर सका। मैं चक दूं घड़े तो काला करा दूं हाथ खड़े बलिए, करा दूं हाथ खड़े बलिए। चन्नीए सारा दिन गोहे कूड़े छत मारदी रहनी है, एक बारी हां कर दे सारा पिंड तेनू नंबरदार नहीं आखेगा। असी गरीब कमी जरूर नंबरदार आ, पर सब नु अपनी अपनी इज्जत प्यारी हुंदी है, तेनू तां अपनी इज्जत बहुत प्यारी होनी चाहिदी है। सानू इज्जत नालों कोई और चीज ज्यादा पसंद आ गई है। तां फिर ओनू जलील हुंदिया भी दुनिया जरूर देखेगी। चन्नीए आ देख मिट्टी दा भांडा टुट गया है, एदी जेड़ी मिट्टी रुड़दी है ना वो भांडे ते ही पैंदी है, भन्नण वाले दे सिर कदी नहीं पई। तू साडी गल मन लै, साडी होण वाली है नंबरदार नहीं है। चन्नीए तू साडी अज दी कीती होई बेइज्जती याद रखी। वाह रब्बा, तेरे इस मिट्टी दे बनाए बंदियां कोलो ते मिट्टी दे पांडे चंगे ने, जेड़ा किसी ने दुख तां नहीं दिंदे।
अज चन तारे नीवे लग दे ने किथे ले आया सानू प्यार तेरा किन्नी दूर रह गए बैरी जग दे ने किते सुपना दे तभी मन दिया सारी मुरादा पूरियां करके हटूंगा तू। हां मैं तेनू पहला भी कहा सी कुत्तिया कि इंसान का बच्चा पढ़ता बड़िया मुश्किल नाल है जाया होने लग्या एक मिनट लगता है पर तेनू अकल ना आई तू अपनी अकल हाथ मारो पढ़ता ए तेरी भैन लगती है जे मैं मान लवां के मेरी भैन लगती है फिर की तू इनू एदे घर छड़ावेगा
और जे छड़ आवेगा ना ता सौ गौदी तेरे हर जुल्म दा इंतजार मैं इत्थे बह के करांगा। ओए छड़ के ता मैं जरूर आवांगा, इनू नहीं तेरी लाश नू सिवे च। ओए कुत्तिया लंबड़ा, जे तू एड्डा ही वड्डा दलेर सीगा ते फिर गरीब दी झुग्गी वल जाण दी बजाए मेरी हवेली वल तकदा। ओए ना तो कम कीता है मर्दा वाला ते ना कीता है इंसान वाला, आखिर जाया हो ही गया है ना। चल पेड़ा, तेनू तेरे घर छड़ आवां। पर मेरे बापू की सोचो। बापू? बापू तो तेरा पेड़ा इस दुनिया च नहीं रहा। रोना पैना, मेरा बाप, रोना, रोना, मेरा बाप, रोना, पर उन्हें कितने जाओ वीरा? मेरे दुश्मन के कारण, जिन्हों तुम प्यार करती है। तुम लोग आगे बढ़ो, सामान लेके आगे बढ़ो। सब सामान लेकर खच्चर चाहिए। उल्लू का पाठा खच्चर मांगता है। तुम लोग 14-14 रुपए का 4 सिपाही है और एक खच्चर 500 रुपए का होता है। तुम जैसा कीड़ा मकोड़ा तो हमें आसानी से मिल जाता है। तुम आगे बढ़ो। ए जवान आगे बढ़ो। ए फरंगिया, आज अपने आप नु नंगिया कर देता है ना। आंख नीचे करो। आज जीते अखा चुकिया ने। आगे बढ़ो। अगे ते वध रिया, दुश्मन की तरफ मुंह करो। दुश्मन वल्ली ते मुंह कीता है। हम तुमको गोली मार देगा। जेड़ा 14 रुपए वाला ताना मारिया है ओ गोली नालो भी वध असर करके फरंगिया। तैयार हो जा। की कीता जगराज? जो बहुत पहला कर लेना चाहिदा सी। पर हुण की बनूगा जगया? हुण असी जंग लड़ांगे अपनी आजादी लई। अज तो बाद किसे भी अंग्रेज या जैलदार दी हुकूमत नहीं रहेगी। एक बागी दा लाल है, तुसी मेरा साथ दोगे? असी तेरे नाल आ जगया। फिर कसम खाओ, अज तो बाद कोई भी गुलामी दी जिंदगी नहीं जिएगा। सुनो सुनो सुनो, सारे पिंड वासियों नू इतला दिती जांदी है कि जो भी बागी जगराज सिंह वल्द गामा सिंह नू जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराएगा उस नू अंग्रेज सरकार वालों 5,000 रुपए नगद इनाम दिता जाएगा। हवलदार साहब, एक केड़ा जगराज सिंह है? पहले तो मने लागे था कि तेरे दिमाग का एक आध पेज ढीला है।
ई मने लग गए है कि तू पूरे का पूरा पागल हो गया सर। ई मैं तुझे बोलू तो तू क्या खोज लगाएगा कुत्ते की तरह सूंघ के? कोई मैं कुत्ता ही सही, लेकिन हाँ अपने देश का वफादार, तेरे वांग होना फिरंगे था गुलाम नहीं। पर जगराज सिंह केड़ा है? जो बागी सूरमा जगराज सिंह सर, उर्फ जग्गा जट, बल्द गामा सिंह। सुन, इको पकड़ने का सरकार ने पूरे 5,000 इनाम रखा सर। 5,000 रुपए? मैं तो अपने परवरदिगार अग्गे दुआ करता हूँ कि 5,000 रुपए लेने वाला इस धरती से 10,000 साल भी पैदा ना हो। तो ठीक कह रहे हैं सर। एक पुलिस वाला होके तू ठीक कह रहे हैं? 5,000 सुन के तो तेरे मुंह ची पानी आ जाना चाहिए। ससुरा मुंह में तो नहीं, पर इन आंखा में पानी जरूर आ गया सर। हम कितना खुशकिस्मत है कि हमारे गांव में इतना बड़ा बागी पैदा हुआ सर, जिसने इतनी बड़ी सरकार से मत्था लगाया सर। मैं तो कहूं सू अगर वो हमारे गांव में आ जाए ना तो मैं तो वर्दी उतार के उसके संग चले आ जाऊं। वर्दी उतार के नहीं, वर्दी पाके भी तो उदे काम आ सकता है। वाह क्यों कर? तू अंदर दिया खबर मेरे तक लाया कर, मैं उदे तक पहुंचा दूंगा। आखिर एक न एक दिन था उन्हें लुक छिप के अपने घर आना ही है। वे कौन है तू? चोर समझ ले, डाकू कह ले, जहां जो तेरा दिल करता है वो जान ले। वे जे तू डाकू है ता ललकारा मार के किसे जेलदार दी हवेली नु लुटदा, एक गरीब दी चुगी विच की लेना है? जो दौलत ते इस गरीब दी चुगी विच ओ वड़ियां हवेलियां दी किस्मत विच किथे? वे बोतियां बुझाता ना पा, छेती दस तेनु इथे केड़ी दौलत नजर आई है? पीरा प्रीतो मां, पुत्र जग गया, पुत्र जग गया। मां सदके वे, मां भाई वे, पुता ना रहा तो जन्ना रहा तो तुर के मेरा पुत्र कर पड़ते। प्रीतो तू बाहर जाके देख पुत्र, मेरे जग्गे नु किसी ने होंदा तो नहीं देखा। अच्छा ते जेते कर, रब दा लख लख शुक्र है जग्गे जिन्हें तेन सही सलामत घर भेजे। जिन्ना पुत्रा मगर तेरे वर्गिया मावा दिया दुआवा होन, मौत आप उन्हां दे अगे भज खलोंदी है। फिर मैं ते मौत दी उस जू चो वापस आया मां, जिथों अज तक किसे दी लाश भी वापस नहीं आई। एक गल आखां पुत्रा, जिन्नी खुशी मैनु तेन मिल के हुई है उस तो वध खुशी उन्हां खबरां नु सुन के होई सी जिस विच तेनु बागी करार करके तेरे सिर दा मुल पाया सी। मां तू ते हमेशा मैनु बुजदिली दा सबक ही दिंदी रही, ए मेरे पिछों नवा सबक तेनु कौन पढ़ा गया? मां वक्त सब दा उस्ताद है पुत्र, उदों मैं गरीब पोड़े पाले किसान दी मां सी ते हुन एक बागी सुरमा मेरा पुत्र है, ओ भी ओहो जिसने उस जालिम सरकार नाल मत्था लाया है जिस ते जुल्म दा सूरज कदे नहीं डुबदा। मैनू तेरे बदले हुए ख्यालात दी कसम है मां, एक बार काला बदल बन के जुल्म दे सूरज ते इस तरह छावांगा के पूरे पंजाब दे नक्शे ते अमन दी झां कर देंगा। मुड़ पावे मेरा निशान रवे या ना रवे, पर ना जरूर रवेगा। सदके वे पुत्रा तेरे, एक गल हो रखा, तू साडा रत्ती फिकर ना करी। तेरे कारण आई हर मुसीबत नू मैं अपने पुत्र दी कमाई समझ के चोली विच पा लवांगी। मां पुत्र हुण तू जा, समा ठीक नहीं। चंगा मां, रब राखा। रब राखा पुत्र। हे पाचा वालिया, मेरा जगराज तेरे हवाले। जग
गया। चन्नीए तू बहुत एहसान न जता कावा न चुरिया मैं पांदे रही गुरदर्ज सुखना मैं सुख दे रही मंदरा ते मथे मैं रगड़ती रही पसीता ते दीवे मैं बालती रही तू किस तरह नाम दा चंगा बाबा मैं तेरिया दुआव नाली वापस है बस पर हुन तू वादा कर कि मैनू लाल लेके जावेगा एक कालिया राता मैनू सोहन नहीं दिन दिया जगिया मैं जद तक इस धरती नू फरंगिया तो आजाद नहीं करवा लेंदा ना ही तो मैं तेनू मिल सकना ते ना ही तेनू नाल ले जा सकना मैं तेरिया लाल ना लेके जा पर इंज मुँह तेना मोर जगिया मैं तेरे इश्क विच इन्हीं पौड़ियां चढ़ चुकी हाँ कि हम वापस मरना मुश्किल है मैं तेरे बगैर जगिया लेके तेरा नाम मैं चढ़ी तुबारे इश्क दे मैं चढ़ी तुबारे इश्क दे अज लेके तेरा नाम मेनू पा दे खैर तू प्यार दे मेनू पा दे खैर तू प्यार दे मेरी फड़ ले हाथ ते मैं चढ़ी तुबारे इश्क दे अज लेके तेरा नाम मैं चढ़ी तुबारे इश्क दे ओ कल्ला कर थे के छुटे तेनू पे देन सदा
अपने बीते हुए वक्त की कोई गल सुना जानी है। तैनू कभी मेरी कमी महसूस ते नहीं हुई? हाँ जगिया, एक बार भीड़ पाई सी, पर सदके जावा उस दिले वीर दे उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होन दिती। ओ कौन है जानी है? तेरा दुश्मन सुच्चा। की कह रही है तू? हाँ जगिया, उन्हें मेरे बिल्ले हाथों इज्जत ही नहीं बचाई, सगो उसका कत्ल करके जालिम सरकार का दुश्मन बन गया। वाह ओए दुश्मना, साडे ते एहसान भी कर दिता है। चंगा चनी, मां ते भैन का ख्याल रखी, रब रखा। वाहेगुरु तेरे अंग संग्रह जगिया। तुसी बेफिक्र होके जाओ, सवेर तक थोड़ा बंदा घर पहुंच जाएगा। चंगा जादार जी। अच्छा जी, राम राम जेलदार जी। जगिया, तू किस तरह? मैं ता तुहाडा शुक्रिया अदा करना है जेलदार साहब। ओए बई, हो कादे लई? गल ए है जेलदार जी के तुसी एक सूरमे पुत्र दे प्यो, जिन्ने मेरा दुश्मन होके भी मेरी इज्जत ते गैरत दा पहरा दित्ता है। ओए उन्ने भी ओही कीता है जो जवानी ची असी करदे सा, पर तू हवेली ची आके बड़ी वड्डी गलती कीती है। मैं तुहाडी हवेली आया जेलदार जी, कोई थाने ते नहीं आया। तुसी बस इन्ना दस दियो कि सुच्चा भी तुहानू कदी मिलन आउंदा है कि नहीं? हाँ मिलन आउंदा रहिंदा है। फिर ता तुहानू उस दे ठिकाने दा भी पता होवेगा। हाँ हाँ ठिकाने दा भी पता है। फिर ते जेलदार जी मैनू छेती देने उहदा पता दे दियो। ओए तैनू उहनू मिलन दी एड्डी काली कदी है? साडे जे बागियां दा की भरोसा जेलदार जी, पता नहीं कदों जालम पुलिस की गोली दा शिकार हो जाइए। मैं चाहना जिन्नी छेती हो सके सुच्चे दे एहसान दा बदला ला दिया। अशके भई अशके, कीतिया ना जवाना वाली गल, तू इत्थे बैठ, मैं हुणे सुच्चे नू हवेली च बुला लेना। तुसी दोनों इत्थे मिलन तो बाद इस हवेली तो टिप जायो, इसन पता ना लगे। हाँ एक गल याद रखी, तू साडी पनाह विच है, इत्थे तेरी जान नू कोई खतरा नहीं। हवेली तो बाहर पैर रख के अपनी जान ते साडी आन नू खतरे विच ना पावी। ओ जंगलाच कट देने
बच्चे कर रहे छोटे जलदार जी और जे मेनू पछाण लिया है ता अपने बूथे तो घुंड ला के अपनी पछाण भी करा मैं जगराज हाँ छोटे जलदार जी जग्गा ओए जट्टा सुनया तू वड्डे वड्डे कम कराया मैं ते तुहानू ही लभदा फिरदा छोटे जलदार जी ओए सरकारी कुत्तियां अगे भजदा भजदा थक भी गया होवेगा ते अक भी गया होवेगा इस औखे जिंदगी दे सफर तो ताइयों तो मैनू लभदा फिरदा है ना दुश्मन मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना है छोटे जलदार जी शुक्रिया ओ शुक्रिया ता मैनू तेरा अदा करना चाहिदा है जट्टा क्योंकि वादा तू अपना भी याद रखिया है ते सौ साडी भी कमाई कम सजना वाले ते गल्ला दुश्मना वालियां करदे हो छोटे जलदार जी दुश्मनी दी कंध ते एहसान दा पार पा के तुसी पहले टा चुके हो रही गल तुहाडी सौ दी ते आप फड़ो बंदूक ते चलाओ गोली मेरे लहू नाल अपने हाथ रंग के सौ तुसी भी अपनी पूरी कर लो ते एहसान दा पार मेरे सिरों भी ला दियो क्योंकि मैं भी इस दुनिया तो सुरखरू होके जाना चाहना असि दुश्मन दे हथियार नाल वार नहीं करदे हुंदे हथियार साडे अपने सलामत रहन ए की मजाक कर रहे हो छोटे जलदार जी अखां तां मेरियां बंद सन निशाना तुहाडा किवें चुक गया है ओए आप ते फरंगी मार के अपने आप नूं सूरमा कहण लग पिया चग्गिया ते साडे हथों सूरमे दा कतल करवा के सानू गद्दार बनाउणा चाहुंदा है छोटे जलदार जी ओए यार आख जग्गिया यार आख यार पर तेरी कसम दा की होवेगा सुचिया कसम तो मैं पूरी कर ली है ए देख चंगा फिर बोल जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की है बोले सो निहाल जगराज भाई जगराज सोचा फरार होने तो बाद जिन्हें घर पना लेंदा रहा है पुलिस उन्हां दे टप्पे नूं चुक के लै गई है ते सरकारी गवाह बने है सुच्चे दा बाप जगत नारायण उन्हां दी जनानियां ते बच्चियां ते पुलिस जुल्म कर रही है ते उस बदले मैं थानेदार दे इस गुलगुड़े नूं चुक ले आया ओए तेरे वर्गे बंदे साडी इस जंग नूं टाल आउंदे ने ओए तू इस मासूम नूं चुक ले जिन्नू हाले तक ए भी नहीं पता के जन्म तो पहले ही ओ गुलामी दिया जंजीरा विच जकड़िया होया जम्मे ओए ए उन्ना विच वेके जिन्ना ने कलू साड़ी ये जंग जारी रखनी है ओए कसूर उस थानेदार दा ते सजा इस मासूम नू ओए कल नू जद लोग साड़ी इस जंग दा इतिहास पढ़नगे ता तेरे वर्गे कुत्ते कमीनिया दे काले कारनामे पढ़ के साडे ते तू तू करनगे ओए जे जे तेनू अपनी जान रत्ता भी पैरीए ता इस बच्चे नू सही सलामत तेरे घर पहुंचा दे इतना मैं कन्नू चन्नू मार देगा साहब बार ना बहुत बड़ा बड़ा इनाम आया सर क्या बट्ठा है हम डरता नहीं है साहब आपको देख के थिरक जाता है बाहर दो इंस्पेक्टर साहब आया है यो सही नाम साहब
मैं इन खातर चाय बन के बंदोबस्त करूस। यस, क्या बात है? मैं आपको जी अंग्रेजी में बताता है साहब बहादुर के क्या बात है, है? अभी बताता है, अभी बताता है, अभी बताता है, अभी बताता है। What is this nonsense? You shut up! मैं तो कहीं कर रहा हूँ। सारा ये अंदर तार तार क्यों हो यार? ये ना अपने दोनों थानेदार अपने साहब को नए तरीके से समझा रहे हैं कि जग्गा और सुच्चा को कैसे गिरफ्तार करना है। इस कौन से पाला पड़ता है? इनके आदमी को छोड़ दो। जी हुजूर। यो तो आपने बहुत अच्छा किया साहब। तू आजा बड़े भाई, आज तक दिन रात के सिपा प्या ने हड्डी बचा लेता। आज तो बाद जे तू किसे गरीब गुरबे नाल धक्का कीता ता याद रखी गोरिया, तेरी ये चिट्टी चमड़ी ला के समेत वर्दी दे किले ते टंग दिया, समझे? ये हमारा ऐलान भी है और ऑर्डर भी है। चलो इंस्पेक्टर सुचा। चलो इंस्पेक्टर जगह। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਰੰਗੀ ਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਜਹਿਲਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੰਮੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੋਲੇਪਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾੜੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰਾ, ਟਾਣੇ ਆਪੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਚਿਆ। ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ 14 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ 24-24 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਤੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰੰਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਦਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। एडे जज्बाती होने तो पहला ए भी ते सोच लो के साडे यार सुच्चे दा प्यो भी ते एक जेलदार है। एदे विच तेरा की ख्याल है सुच्चा? नाले सानू यार कहना है ते नाले साडा ख्याल पूछता। तू चाहुंदा की है? ओए तू एक प्यो दी गल करता है, जे मैनू अपने देश ते कौम दी खातर अपना पूरा खानदान भी कुर्बान करना पिया ना ता पिछे नहीं हटांगा। उंज भी साडियां गोलियां ते पहला ना गद्दारा ते मुकवरा दा हुंदा है ते फेर असी ऐलान करदे आ के अज तो बाद कोई भी सरकार दा पिट्टू परती देवेगा तो सोच दिता जाएगा। वो जे असी इना चोरां ते डाकुआं दे डर दे मारे भर्ती ना दित्ती तां असी लंबड़दार कादे होए। वो एहो जे खाड़कुआं दा तां उदों ही पता चलदा है जदों कदी किसी कच्ची पुली थल्ले पुलिस मुकाबले च मारे हुंदे ने। वो ए तां आप चार बंदे परौणे ने। ओए परौणे तां तेरे सिर ते आण खलोते ने, तगड़ा हो जा। ओए ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਓਏ ਜੰਜ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ? ਓਏ ਇਹ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ 40 ਤੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਵਿਆਜ,
हो गए 75, 25 दे गया सी, पूरा हो गया 100, ते किसने वाले? ओए लाटू रामा। केड़ा जी? ओए लाटू रामा। कट अपने खाते ते मलाइए तेरा हिसाब। आजी, ते सारे सारा हिसाब आजी करके जाने। आहो। ओए लाटू रामा। हाँ जी। इथे अज नकद ते कल उधार नहीं। अच्छा जी। ये सारा हिसाब असी अज ही करके जाने। ना 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 ना। ये बुद्ध हाथ वाला रखी, असी एनु जानो नहीं मारना, सिर्फ एदी मत मारनी है मत। ओए जे दी मत ही मारनी है ता एदा वही खाता साड़ दियो ते एदी नगदी लुट लो, एदी मत अपने आप मारी जाएगी। जुल्म करना भी पाप है ते जुल्म सहना भी, ਬੜੀ ਲੋੜ ਉਸ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੱਗੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਚਾਚਾ। ਬੱਚੇਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ तेरे जे बंदियां दी साडे वर्गे बागियां दे दिलां विच की कदर है। ए धरती रहिंदी दुनिया तक तेरी री नहीं रहेगी। अच्छा दस पुत्र, किदां आया सी? ए सेठ करोड़ी मल दा माल चाचा, एदे विचों अद्धा गरीबां नूं वंड दे ते बाकी अद्धे दा सानूं असला खरीदे। झूठे मर जाओ, अगर तुम लोग जरा भी शर्म वाले हो। हम शर्म वाले नहीं साहब जी, हम तो पुलिस वाले हैं। क्या बकता है? हम ठीक बक रहे हैं साहब जी, अगर हम जरा भी शर्म वाले होते तो आपको सच्ची बात कैसे बताते। अब यो ही देखो ना, यो लंबरदार के मुंशी को झटका बना के कच्चे खा गए। इंसान इंसान को कैसा खा सकता है? मैं खुद नहीं मानता सर, पर वो लोग कह रहे हैं, इन्होंने खुद अपनी अखरा देखे। ओए तेनू के होया लाटू रामा? लाटू राम लाटू की तरह घूमता है लंबरदार जी, खुद ही समझ लो के हो गया। ओए लाटू, एक कोटी दा मैदान नहीं, साहब दा दफ्तर है दफ्तर। श्रीमान सरकार दुहाई, लाटू राम दी सारी जिंदगी दी कमाई लाटू राम तो किसी काम ना आई। ओ मुशी इन्हू की कर लिया? ओ मैं ही कर रहा सरकार, करण वाले कर गए जग्गा ते सुच्चा, ए भी कौटी कौटी कर गए। कौटी हमारा वफादार लोगों के साथ क्या हो रहा है? कोई लुट रहा है, कोई घर छोड़कर भाग रहा है, कोई कत्ल हो रहा है और कोई पागल। अगर उनका यही हाल होता रहा तो हम तुमको शूट कर देगा। सर असी तो खुद तुम्हारी नौकरी करते हुए मरना चाहते हैं। असल बात न्यूज है साहब जी कि कल जब हम जंगल करने गए ना, उन सुसरों ने हमारी गैरहाजिरी का पूरा पूरा फायदा उठा लिया। वो लोग फायदा उठा रहा है और हम नुकसान। अगर उनका दहशत इसी तरह बढ़ता गया तो फौज में कौन भर्ती देगा? भर्ती मैं देंगा सरकार, ये तो एवं लोकी जेलदार दे मुंडे तो डरी जाते हैं। ओए उन्हें चोरों की की मजाल के किसी शरीफ आदमी की हवेली वाल मुंह भी कर जान। शकत नारायण, भर्ती मैं भी देंगा सरकार, मैं देखूंगा कि डेकू सूर मैंने जे उन्होंने मेरी हवेली वाल आने की हिम्मत भी की तो मैंने सोए थोड़े बख्शे हुए इनाम दी। पहली गोली मैं अपने पुत्र दे हिक ची आप मारना। गुड, वेरी गुड जगत नारायण, हमारा स्कीम कभी गलत नहीं होता। हम भाई को भाई से और बेटे को बाप से लड़ाएगा। वो तुसी डट के भर्ती दियो, घबराने की कोई लोड़ नहीं, अपने पिछे उस सरकार का हाथ है जिन्हें रात ची कदे सूरज डुबता नहीं। बाकी रही गल मेरे मुंडे सुच्चे दी, जिदन मथे लग गया
उन्हें मैं गोली आप मारांगा। जगत नारायण, तू तो क्या सी मैं अपने पुत्र नू आप गोली मारांगा? उन्हें गोली मारनी तो दूर है साहब, मैं तो आप ही मसा उन्हें दी गोली तो बच के है। मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, मैनू जग्गा ते सुचा चाहिए ने, जिंदा या मुर्दा, नहीं ता मैं तेनू जगत नारायण तो जगतू बना दू जगतू। मेरे हाथ ची हूं कुछ नहीं है साहब। हाँ तुसी जग्गे दी भैन प्रीतो, प्रीतो नू फड़ लो, सुचा ते जग्गा आपे फड़े जानगे साहब। प्रीतो मैं तैनू इत्थे इसलिए बुलाया है कि तैनू दस दिया मरता उन्होंने एक दिन पुलिस मुकाबले चुंज भी जाना है, पर तू अपने इनाम का 5000 रुपया ते 2 मरबे जमीन छड़ के अपना बुढ़ापा कानू रोल दी है। मेरे बुढ़ापे दी ना सोच लंबरदारा, अपनी उम्र का ख्याल कर ते जमीना दा लाल छड़ दे। नवी करी किसड़ियां होईयां ने, ए तां बाबे आदम दी नहीं होई जिदे लई बनाई गई सी। ये एक पासे इज्जत दी जिंदगी ते दूजे पासे जिल्लत दी मौत, दस तैनू की चाहिदा लंबरदारा? जे मेरे एक हाथ उते सारी दुनिया ते दूजे हाथ उते स्वर्ग भी होवे ता भी मैं अपने पुत्र सदके दोवे हाथ खाली कर देंगी। तू शराफत दी जबान नहीं समझदी ता फिर गल सुन, असी तेरी धी नाल ठाणे बुला के अजा शुरू करावांगे के फरिश्ते भी अपनी अखां बंद कर लेंगे। तू जो मर्जी करी वे लंबरदारा, साडे पैर फेर भी नहीं डोलणगे। मैं मां मां तेरे वर्गा बाप नहीं जो अपने कले कले पुत्र नु मरवा के भी दौलत पता नहीं किस लिए इकट्ठी कर रहा है बेगरता। ते नाले जगराज दी मां नु लंबरदार ने घर बुला के बहुत बेइज्जत कीता। ते फेर की होया सुल्तान चाचा, जेड़ियां मावां अथरे पुत्र जमदियां है ना उन्हां दे कलेजे पत्थर दे हो जांदे ने। तुहाडा इह सुनेहा मैं जगराज तक पहुंचा दिया, तुसी घर जाओ ते खैर मनाओ। गल सुनो, सुल्तान चाचा नूं बाहर तक छड़ गया। ओए पंडिता तेरी जुरत किवें होई इत्थे आउण दी? ओए जुरत ते मेरे नाल जम्मी सी कुत्तिया लंबड़ा, पर तेरी हिम्मत किवें होई साडी मां दी बेइज्जती करन दी? अच्छा तैनू ए नहीं सी याद के इत्थे भी अपने पुत्र दे कतल दा इंतकाम बैठा है? ओए जिन्हां ने इंतकाम लेना हुंदा है ना वाह उत्थे पहुंच जाते। ए तू नहीं तेरी बंदूक बोलदी है सौ गौदी, जदों ए बोलेगी ना ते तू बोलण जोगा नहीं रहेगा कुत्तिया हजारिया। कुत्तिया लंबड़ा दिल तड़के ना असी मिर्चा खा लेने आ, ते जे किते साडा पिंडा फड़के ना ता एक दो जनिया नू फड़का देने आ संजी। की गल है? मैं जगे दी भैण नू गिरफ्तार करना आ। वाहेगुरु सच्चे पातशाह मैनू माफ करी, लै फिर कर ले गिरफ्तार। फड़ो इहनां नू। गल सुननी पर जाइए, जट्टां दियां नूहां तियां कदी ठाणे नहीं जांदियां। तू भी ते इस घर दी धी है प्रीतो। धी? धी मैं अपने वीर दे घर हुंदिया सी, जदों दा वीर बागी होया मैं अपने आप नूं इस घर दा पुत समझदी आं। ओए इही खच दी जगे दी भैण है। वे होवां मैं भैण जगराज दी ते दुखी दा मुंशी मेरे नाल बदतमीजी कर जा। मेरा नाम प्रीतम कौर है, समझ गई के हो समझावा? नदान कुड़िए तू नहीं जानदी तू किस कानून नाल पंगा ले रही है।
ते एदा अंजाम की होवेगा? इस बुरे अंजाम तो तू डरा सरकारी कुतिया, तू शायद नहीं जानता तू किदो फड़न आया। जे जगराज नू पता लग गया ना ते तेरे थाने दी इट नाल इट वजा दूंगा। चल थाने, तेनू चल के दस दे। चल वे, देख लांगे तेरे थाने नू। चनिए सुखता है जगिया, कयामत आ गई है। कयामत तां उदों दी आई होई है चनिए, जदों दा फरंगी साडे मुल्क विच आण वड़िया है। हुण केड़ी कयामत आ गई जगिया? सुचे दे प्यो ने तेरी भैण पिता नूं उस दे हाथ फड़वा दित्ता है। चनिए, जे मेरी प्रीतो नूं कुछ हो गया ता सौ मैनू उस बाजा वाले दी, मैं सारे पंजाब की पुलिस दे हाथ इस तरह वध देवगा के मुड़ के ओ वर्दी पाउण दे काबिल नहीं रहणगे। बाहर निकलो, पत्थर दी हवेली विच रहण वालिया पत्थर दे विच खाना। ओए आ जके पुत्र, पत्थर ना कही ओए, तू किसे दा कुछ नहीं लगदा, ए फरंगी ही तेरे माए बाप ने। जय माता दी, जय माता दी। ओए जे तू माता दा एडे भक्त हुंदा ता लाला लाजपत राय वांग लोका दे दिलां ते राज कर रिहा हुंदा। मैनू माफ कर दे जगिया, ओ मैं तेरे यार सुच्चे दा प्यो हां। ओए ओसे दा ही लिहाज मारदा ए जेड़ा तू अज तक जिउंदा फिर रिहा है, नहीं ते सोए मैनू बाजा वाले दी। जे तेरी थां ते मेरा सक्का प्यो भी हुंदा ता मैं उनू उसे दिन ही मार दिंदा जिस दिन तू मेरी पुलिस नू इतला दित्ती सी। सब सुच्चे दी, तेरे आउण दी पुलिस ने इतला ते नहीं सी दित्ती। ओए ओ गुनाह था तेरा मैं उसे दिन ही माफ कर दित्ता सी क्योंकि ओ मेरा अपना मसला सी। हुण जेड़ा तू साडियां इज्जतां नाल खेडण लग पिया है ओदी सजा सिर्फ मौत है। माफ कर दे जगिया, माफ कर दे। अजे भी वेला है भाई जी, जे तुसी कहो ता असी इस दी लाश नु चुक के बाहर सटाने आ, अबे कुत्ते बिल्ले खा जानगे। नहीं ओ बीरिया, तैनू पता है तू ए कीदे बारे कह रहे? एक कत्तार लालची ते सरकारी कुत्ते दी लाश। एदे अंदर एक लालच सी जिन्ने इनू कत्तार बना दिता। हुण सिर्फ एक इंसान दी लाश है जिहदी इज्जत करना साडा सारिआं दा धर्म है। मैं इंसानियत दी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकदा। तैनू की हो गया जगिया? कहिंदा तां तू ठीक है पर ए गल तू आराम नाल भी कर सकदा सें, प्यार नाल भी कर सकदा सें। एक मरे हुए गदार पिछे तू अपने जिउंदे वफादारां नू मारदा है, जेड़े तेरे पिछे अपनियां जानां हथेली ते तरी फिरदे ने। ओए मेरे लई नहीं, अपने वतन लई लड़ रहे ने। ए वतन मेरे कल्ले दे प्यो दा नहीं, सारिआं दा सांझा है। ओए तू इहदी मौत तों इन्ना परेशान क्यों हो गया है जगिया? तू मेरे कोलों इहदा आखरी जुर्म भी तो पुछ ले। ओए इहने घर बुला के साडी मां नूं बेइज्जत कीता। ओए साडे देश दा ही नहीं साडी कौम दा भी दुश्मन है। मैं अपनी कौम दा दुश्मन मारिया जगिया, तेरे किसी सज्जन नूं तां नहीं मारिया। ओए मैं ते तेरा सज्जन मारा है सुचिया, जे सुनेगा ता तू परेशान हो जाना है, तेरिया अखां विच अथरू आ जाणगे। तू बुझारता की पाई जाना है, जरा खुल के दस। ओए मैं तेनू नहीं दस सकदा, तेनू विखा सकना, चला मेरे नाल। बापू बापू
ना परेशान लग पे ना रोन मैनू माफ करी यारा इन्ने मैनू मजबूर कर दिता सी के मैं इंदा कत्ल कर देवा जे कला साडिया जाना दा दुश्मन हुंदा ता पता नहीं किन्ने कु साल होर चलता रहना रोना एदी मौत दा नहीं है यारा रोना ते अपनी जिंदगी दा है इन्ना चिर जो दरागा एक कतार दा पतका आवागा अरे तेरी ते कदा गिला है यारा गिला ते उस जिंदगी दा है जिन्हें इनू इन्नी मोहलत भी नहीं दिती के एक इनकलाबी पोता प्यो कह के मरता ए सानू गिरफ्तार करौन लई साडियां इज्जत तक पहुंच गया सी इन्हें साडी भैण प्रीतो नू पुलिस नू फड़ा दिता है जिहड़ी अज थाने विच बंद क्यों कुड़िए एक गहने पसंद आए के नहीं हैं जिना फुला नाल कंडे ना होन ओना विच कदी खुशबू नहीं होंदी ओ सोनी बढ़िया नडी है काफी खतरनाक भी आ बदतमीज भी हैं ते बहादुर भी हैं गुस्ताख भी हैं गैरतमंद भी हैं उनकी ख्याल नटी है जदो कुत्ता पौकड़ा बंद कर देवे ते बढ़ना शुरू कर देंदा है तेरे एक इशारे ते मेरे ना बंदे विच बंडी जाएगी कुड़िए पर मैं जिहा करना नहीं चाहूंगा हजे भी तेरी इज्जत ते दाग लगन तो बच सकता है हजे भी ये हथकड़ियां खुल सकती हैं जे तू जग्गे दे सुच्चे दा पता दसन वास्ते तैयार हो जावे तां इस बल्दी ते तेल ना सुट्टो ठरेदारा नहीं तां सड़के सुआ हो जावेगा ज्यादा चलाक बनन दी कोशिश ना कर कुड़िए तू जानती है जग्गे दे सुच्चे दा पता पहली गल ते मैनू पता नहीं पर जे पता हुंदा भी ते रब दी सौ मैं तेनू कदी ना दस दी जवाब मेरा सुलम देख के ते सोच के तमी कुड़िए सवाल मेरा सवर देख के करी ओ ठारे दारा प्रीतो भैन बन के दस दे चगे ते सुचे दा पता है वे तेनू वीर कहना ता एक पासे रहा मैं तेरे मुंह ते थुकड़ा भी पसंद नहीं कर दी तू अनाम लैन दा शौकीन ते असी सिर देन दे शदाई तू जुलम ते काले कानून दा पहरेदार ते असी आर ते मान दे रखवाले असी कौम परस्त ते तू गद्दार तू गोरे दा गुलाम ते असी गुरु गोबिंद सिंह दे भगत तेरा मुंह सरकार वल ते साडा दरबार साहब वल ओए तेरे नाल ते गल करना भी मैं अपनी बेइज्जती समझदी हां ओए तोडे नाल ता साडे पंजाब दा कुत्ता ही चंगा है जेड़ा अपने घर दी राखी ते करदा है ओए बंद कर दियो ए बजे बाकी दी बाण नु थानेदारा जे मैं आज दी रात तेरे थाने विच कट गई मैं आप ऐलान कर देंगी कि मेरा कोई भीर नहीं ते तेरे हर सवाल का जवाब मैं होवांगी मैं
लोका दिया तीया पैना नु थाने बुलाउन वाले आ बेकैरता अगे लग ते सानु अपने घर दा रस्ता होगा। अरे भाई इसमें इसका क्या कसूर है, इसने तो जो ऊपर ते हुक्म आएगा उसी की तामील करेगा ना। ओ गद्दारो जे तुहानु उपरो हुक्म आवे के तुसी अपनी तीया पैना पेश करो ताकि तुसी कर दोगे ना। भाई मैं इस मामले में कोई ना पढ़ू या तो इसी से पूछो। गल सुनो सरकारी दलिया अज तेन छड़ चलिया अगे तो तू किसे ती पैन नु थाने बुलाया ता तेन तेरे थाने समेत फाड़ के सुआ कर देंगे। सुचा अजे दे लई इन्ने काफी है। चल पैना सर, सानू पक्की इतलाह मिली है कि कल जग्गा उच्चे पिंड वाले गरीब कमी लालू दी धी दी डोली नू कंधा देन आ रहा है। एहो जिहे जज्बाती बंदियां नू फड़न दा इस तो वधिया मौका फेर नहीं मिलेगा सर। गुड यंग मैन, जगराज बच के नहीं जाना चाहिए, अंडरस्टैंड? उतर जा गया तू पहले ही प्रावलो छोटी जी पेंट है पंडित जी, मेरी पैन दा व्याह गज वज के होना चाहिए। उतर जा गया तू तो इस गरीब प्यो दी लाज रख ली, तैनू कदी भी तत्ती हवा ना लगे, तैनू मेरी उम्र भी लग जावे। साडे जे बागिया दी अपनी उम्र दा भी कोई पता नहीं हुंदा पंडित जी, पता नहीं किस वेले पुलिस दी गोली साडा सीना चीर के पार हो जाए। नहीं पुत्र, साडे वर्गे गरीबां दीआं दुआवां हुंदियां तैनू कदी भी गोली नहीं लग सकदी। चंगा पंडित जी इजाजत दिओ। जिंदा रहो। आखरी ख्वाहिश है तो दस दे। मरन तो पहला दी ख्वाहिश दे सिर्फ मरन दी ही, ते मरन तो बाद दी ख्वाहिश बसंती चोला पाके सच ली हस हस के सूली चरण वाले भगत सिंह की कौम
काला तब्बा लौन बारे इस गद्दार नू तो तक में भौर दे दिया है ते तू भी सुन ओए काली कमली बाले दा गलमा पड़ के चिच्ची चमड़ी बाले दी नौकरी करन वालिया मुसलमाना तुसी दोवे मिलके मेरे इको जे दो टोटे करना क्योंकि मेरा जिस्म एक ते मजहब दो ने इंसानियत मेरा तरवे ते यारी मेरा ईमान है ओए चिट्टा तू अपने हिस्से दा टोटा साडे गुरुआं दा नाम लेके सार दई ते मेरी सुआद दी एक एक टुंडी अपने वर्ग के गद्दारां दे सिर पा दई करे मैनू मिली हुई गुर्दी उन्हां नूं भी नसीब हो जावे ते तू ए मुसलमाना तू अपने हिस्से दा टोटा हजरत मियां मीर जी दी कबर दे कदमा विच दबा दी जिन्ना ने साडे हरमंदर साहब दी पहली इट रख के पूरे पंजाब नू उस इट दे एहसान थले दबा लिया सी तेरे वर्गे सूरमे दे सारा पंजाब कुर्बान होए तेरे उत्ते ए मुसलमान भी कुर्बान अश्के बजवानू अश्के ओए मैं ते तुहानू अपना पिंडा वंडन ले गया सी तुसी ते मेरी कुर्बानी वंड ली है ओए बग्या कुत्या जा जाके अपनी सरकार नू इना दो चोना दा दिता होया सबक सुना दई ते दस दई के ओ साडियां मजबूरियां ते खरीद सकते ने पर साडी गैरत नहीं खरीद सकते नहीं खरीद सकते नहीं खरीद सकते कहता सिंह श्यामलाल इस खुलाम को मार के खाक उतार दो नसानी कोई जग जगदा जग जगदा नसानी कोई न धरती ते होए जमया जगया जगया ओ सारा जग खैर मंगता तू जित लंगया हो ओ जग जगदा नसानी कोई जग जगदा जग जगदा नसानी कोई न धरती ते होए जमया जगया जगया ओ सारा जग खैर मंगता तू जित लंगया हो जिथे जग पैर रखिया जिथे जग पैर रखिया जिथे जग पैर रखिया भले जिथे जग पैर रखिया मेरी जेड़ा भी सामने आया ओ छड के मैदान नसिया ओ छड के मैदान नसिया छड के मैदान नसिया भले भले छड के मैदान नसिया ਬੁਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਬੁਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ ਜੱਗ ਜੱਟ ਦਾ ਜੱਗਿਆ ਜੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋ
सजा हुण मैं सुनाउणी आ। बुद्ध लै जाए ना, नाले खाओ खुरमानिया ते पन्नो बदार। की मतलब? मतलब ए के तुसी सारे मिलके एनु एहो जी मौत मारो कि कोई फरंगी सानू मुड़के गुलामी दी जंजीर पाउण दी जरूरत रखे। ये कैसा तू पाउट पैदा कर आखरी ख्वाहिश पूछ लें दो। दसो जे तेरी आखरी ख्वाहिश है तो। जगराज, हम तुमको हुक्म देता है कि तुम हमारे लिए एक गिलास पानी का मंगवाओ, समझे? ताड़ा हुक्म देता है। बुल बुल मर्दी मर्गी पर लाली नहीं गई। अब अरे पानी जगराज सिंह, तुम हमसे वादा करो कि जब तक हम ये पानी नहीं पी लेता तुम्हारा कोई आदमी हमको नहीं मारेगा। मैं तेरे नाल वादा करना कि जब तक तू ये पानी नहीं पी लेंदा मेरा कोई भी आदमी तेनू कुछ नहीं कहेगा। तो फिर हम ये पानी सारी जिंदगी नहीं पिएगा। गोड़ा तो के बाद राज ये तो अपने नाल धोखा कर गया। नहीं आए ए अपनी शैतानी अकल नाल बच गया है ते असी अपनी कम अकली नाल धोखा खा गए हैं। इदिया गल्ला जा गया लिट्टा फड़ंगी कम अकली। फिटे मुँ फिटे मुँ फिटे मुँ फिटे मुँ मेरे लण तही जी जिंदगी दी जिदे विच शराब पीण दी भी आजादी ना होवे। सोचा तुमको आजादी मानता? आजादी केनु नहीं चाहिदी साहब बहादुर, ओए ओ भी एक शराबी नु जिने दीन दुनिया धर्म ईमान मजहब सारे नाल बगावत करके सिर्फ एदे नाल प्यार कीता होवे। मैं ता एक कतल दे केस च फरार होके इन्हां पक्खियां नंगियां चा फसिया है। तुसी ता जानदे हो कि मैं एक जेलदार दा पुत हां। अज मैनू भी जेलदार होना चाहिदा सी। सोचा तुम एक कतल करता और इतना पछताता, हम जितना बेगुनाह मारता उतना फकर करता, हमारा सरकार हमें उतना ही तरक्की देता।
तुम अब भी सरदार बन सकता है। वो किस तरह साहब बहादुर? जरूर बन सकता है। हम तुम्हें अपनी रिहाई का इतना बड़ा इनाम देगा कि तुम्हारे सब खतलों के जुर्म उसका नीचे दबके रह जाएगा। वादा करो साहब बहादुर, वादा करो। प्रॉमिस। लो वैसे खुशी च एक कोट पा लो। सोचा हम नीट नहीं पीता। चिट्टिया सूरा उठ, देख उठिया मत्तां वाले नू। सच्चा जिस कौम में तुम जैसा अकलमंद और जगत जैसा जुझारू नौजवान है उस काम को अब बरतानिया सरकार ज्यादा देर तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। सुच्चिया ये तो की किता? इस खाली गिलास वाल देख चकिया तेनु अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। जाओ सारे इलाके में बीमारी की तरह फैल जाओ, गांव को तबाह कर दो, घरों को आग लगा दो। इसका मतलब है पुलिस दिया सारिया खबरां बाकियां नूं तो ही दिंदा रहे। जमा ही ठीक से ते लै फेर अपनी गद्दारी दा इनाम। बाबा इत्थे रुक जा थानेदारा, जे जग्गे नूं पता लग गया के तेरे गंदे पैर इस घर विच पए ने ता उसके कहर तो तेनु तेरी जालिम सरकार भी नहीं बचा सकेगी। इनु आगे वध लेंदे मां, आज इनु ए भी पता लग जाएगा कि पंजाब दिया मावा सिर्फ जगराज सिंह वर्गे तूफान ही नहीं पैदा कर दिया और शरण कौर वर्गिया तीनों भी जन्म दिन दिया ने। जेड़े तूफान की गल तू कर रही है ना, उसनु अपनी भैन दी लीरा लीरा हुई इज्जत दे के कांबा छिड़ जाएगा। वो ना जी सकेगा ना मर सकेगा। पागला वांग कंधा च टकरा मारता फिरेगा टकरा। पिंड वाले अपनी चुकिया अखा उतार चुके देखो जुगराज की इज्जत हशर। कल खोल के सुन लो, जे आज तो बाद किसी जवान ने बंदूक नु हाथ पाया इस पिंड दिया धीआं भैणा का ओ हाल करांगा ते आउण वालियां सत्तां पुश्तां तक मावां बाकी जमड़े भुल जाणगियां। बाकी जब मैं पुल जान गया गानो पेड़ नु तैश नैश कर दियो।
टब्बर का कई ओ हश करता है नडिये कुर्बान होना साड़ी कौम नू विरासत विच मिलिया है कुत्तिया तू देने जरूर आएगी। जाओ सारे गांव को घेर लो, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। I'm
ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਗਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ
मेरी वे बंदियां दुनिया मिट्टी दी तेरी वे बंदियां दुनिया मिट्टी दी ओड़क रोड़क मेले ठकड़े किसे बुलाउण नी मैं सदके परत के ओण नी अजे कुनारो में डोली नचायो वक्त ने ओण नी ओए पंदियो परत के ओण नी ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਚਮੜਾ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ
हार गया तो मां भी इस चुन्ने नू अपना कफन समझ लवी पत्तर ते जे जित गया तो आजादी दा झंडा फड़ के लहरा ते मैनू तेरी सोए मां सारे मैनू बचाने दी जिन्नी देर मैं जाल मको अपनी धरती मां नू आजाद नहीं करवा लेना उन्नी देर में नहीं मरेगा नहीं मरेगा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਜਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਚਲੋ ਖਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਿਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਓਏ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਫੋਰਸ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ ਤੁਮ ਇਤਨਾ ਘਬਰਾਏ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚਲੋ ਕੇ ਲਗੋ ਓਏ पकते हो उन दो टके के बागियों की ये मजाक कि छोड़ी की तरह मुंह भी कर सके ਕਰੀਏ
हूं। सोच ठीक थी, साडा मान ठीक थी, साडा जज्बा ठीक सी, ता मेरी मां दी चुन्नी नू मुल्क दी आजादी दा झंडा बना दे सच्चे पातशाह, मुल्क दी आजादी दा झंडा बना दे। Don't hold! Don't!